अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त एस के अली नॉन स्टॉप न्यूज 9 में आपका खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज के खबरों पर। शहर हैदराबाद में मशहूर और मरूफ पेपर जिनका नाम सिर्फ तनकीद करना और मिल्लत के नाम पर दुनिया भर से पैसे जमा करना, लोगों को मिल्लत के नाम पर पैसे खा जाना। सियासत पेपर चीफ से आवाम पूछ रही है मिल्लत के पैसे कहाँ हैं। आज हमारी मजबूरी है, हम भूखे हैं, हमारे पैसे हमें वापस दे। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अजमत जाफरी की ये रिपोर्ट। आप बताओ, 3-4 दिन से हम लोगों को बुला रहे हैं राशन के लिए, छोटे छोटे हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाना, किसका नहीं जाना बोलो। आप लोग इस सारे जगह से पैसा ले रहे, बाहर से पैसे मंगा रहे हैं, सब आप लोग खाए तो हम लोग कहाँ से खाना, कहाँ जाना, हम लोग किसको पूछना, हम लोगों को दियो। गरीबों का मुँह मारेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे तुम लोग, सुने ना आप, कहीं के भी नहीं रहेंगे। गरीबों का मुँह मारेंगे तो हार्ट आके मरेंगे। अली खान साहब, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, गरीबों का हक मार के क्यों खा रहे हैं, जरा आधा खा के आधा तो भी गरीबों को दियो। ऐसा कैसा पूरा ही निगल लेंगे बोले तो कैसा होगा, ऐसा कैसा निगल लेते, आप गरीबों को दे रहे हैं, इधर से आ रहा, उधर से आ रहा, वहाँ से आ रहा, यहाँ से आ रहा, सब खा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं घर में, ठंडी छाँव में, एसी में, कूलर में, हवा में, पंखे में, हम धूपों में फिर रहे हैं, धूपों में आपके ऑफिस पर जा रहे हैं, आ रहे हैं, खाली आओ जाओ, यही काम है क्या आप लोगों का, आप लोग तो एसी में बैठे हुए, ठंडा देना नहीं लोगों को, ऐसा कैसा, बेवा लोग, गरीब लोग, लंगड़े मजदूरों के अम्मा बाबा हैं, गरीब हैं हम लोग, ऐसा कैसा आप लोग, ऐसा करे तो नहीं होता, ज़रा करे तो अच्छा नहीं होता, आपके घर पे फिर हमला, बहुत बड़ा हल्ला कर देते गरीब लोग। पहले ही लॉकडाउन चल रहा, रमज़ान शरीफ है, कम से कम रमज़ान का तो ख्याल करो, लॉकडाउन का नहीं करे तो नहीं करे, रमज़ान तो देखो, रमज़ान का ख्याल करो, आप रोज़ा होंगे, आपके घर में रोज़ा होंगे, अगर हमारे शरीर का हाल आपके घर में रहता तो क्या करते थे आप भी, ऐसा हमारे सर का निकलते थे, मगर वैसा नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो एसी में आराम से ठंडा सो रहे हैं पंखे में। अस्सलाम वालेकुम, कुछ मदद जल्दी से जल्दी कीजिए। ये थे अब तक की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।